Our next category is inclusion, and these organizations have been doing a wonderful job in making sure people are included into society in a wonderful way. The person who will be giving away these awards from the K Electric team, the Director of Sustainability, please welcome Zehra Mehdet Amit. हमारे पास पहला विनर जो है जो हम इंक्लूजन में जिनको आज ऑनर कर रहे हैं विच इज ऑफ कोर्स द मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर। इस इदारे से हम यहाँ पे दावत देना चाहेंगे डॉक्टर मैरी फ्रिंग्स को, हु इज अ बोर्ड मेंबर, एंड आल्सो मिस्टर मर्विन लोबो, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द मैरी एडिलेड लेप्रेसी सेंटर। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं या आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, आपकी सपोर्ट बड़ी अहम है जो कि ये इदारा कर रहा है। MLC after controlling leprosy had already started diversifying. We are working for blindness, tuberculosis, community-based inclusive development, and mother and child health. So the expansion is already there. हमारे पास जो अगले recipient हैं, उनकी एक बहुत ही अहम contribution है. So from the Deaf Read Schools program, we'd now like to invite Mr. Francis, who's a director, and also Mr. Shehzad Zaki, who's also a director with the organization. हम बात कर रहे हैं द फैमिली एजुकेशनल सर्विसेज फाउंडेशन के प्रोग्राम डेफ रीड स्कूल्स प्रोग्राम की, जो कि ख़ास तौर पे कुव्वत समाज से महरूम लोगों के लिए और उनकी फैमिलीज़ को अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, टूल प्रोवाइड कर सकता है ताकि वो अपनी तालीम का सिलसिला आगे लेके चल सकें। नाउ वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह 7 स्कूल्स अक्रॉस पाकिस्तान, कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, टंडोला यार्ड, लाहौर एंड झेलम, एंड मोर देन 1250 स्टूडेंट्स आर गेटिंग फ्री एजुकेशन। अब हम चलेंगे हमारे अगले विनर्स की जानिब, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलें। द हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, ये अवार्ड रिसीव करने आ रहे हैं मिस्टर गुलाम मुस्तफा, हु इज द सीईओ, एंड मिस्टर शेख माज, हु इज द हेड ऑफ कॉम्स। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि माजूर अफराद की पर्सनल अटेंडेंट केयर 9 to 5 तमाम फैसिलिटीज के साथ फ्री शेल्टर फ्राहम करना। बेसिकली आवर मेजर गोल इज टू डेवलप 25,000 कम्युनिटीज, मॉडल कम्युनिटीज इन पाकिस्तान बाय 2030। By model communities, it means that we approach the development sector with an integrated development model. Integrated development model means that we approach with a concept that there should be provision of health, education, livelihood, disaster management, and water and sanitation available in those villages.